हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार की रात ईवीएम को एक प्राइवेट वाहन में जाने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोलिंग पार्टी को रोक दिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए मतदान दल पर ईवीएम में छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगाए। अब जिला चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतदान दल के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं जिला चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मतदान पूरा होने के बाद सूचना मिली थी कि एक निजी वाहन ईवीएम वीवीपैट लेकर जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की और ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में भिजवा दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ईवीएम वीवीपैट मशीनों की बारीकी से जांच की। अधिकारियों ने दावा किया कि मशीनों को ठीक से सील कर दिया गया था, कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई।